सती जान ने बिस्तर पे बड़े बड़े भांप लिया कि शीरें को उस लड़की से दूर करना है, वरना अचानक शादी की जल्दी क्यों मचाती। बहुत मुश्किल से अपनी इज्जत बचाकर बाहर आई थी और उसके कपड़े जगह जगह से फटे हुए थे। मैं समझ गया शीरें कि तुम जरमीन की दोस्ती में कुछ भी कर सकती हो। खाने में जहर मिला दूंगी मैं अगर मुझसे शादी की तो। हम वहां पनाह लेने के लिए जा रहे हैं और अगर पनाह ना मिली तो? तुम दोनों से शर्त लगी है मेरी, अगर टाइम पे वापस पहुंचे तो मेरे, वरना तुम दोनों की। तुम शर्त जीत गए हीरो। वापसी का कुछ नहीं पता बेटा, ये लड़कियां शर्त यहीं पे हार चुकी। तू शर्त नहीं जीता बेटा, तू दिल हार गया अपना। ठीक है, लगा रहा। क्यों बुलाया मुझे यार? वो हमने पिंडी जाना था, इसने अपनी शादी के लिए वहां से सूट लेना। कोई और ड्राइवर देख लो। ऐसा कोई भी नहीं है जो हमें एक ही दिन में वापस लेके आए। तो है ना वो राजा, अच्छा ड्राइवर है वो। तुम राजा जैसे लफंगे के साथ भेजोगे हमें? हाँ मेरी मलिक फारूक से लड़ाई हुई है। हाँ पता है मुझे, सुनकर दुख भी काफी हुआ। लेकिन एक बात बताओ, एक ही चपेट क्यों मारी है तुमने? तीन चार तो लगानी चाहिए थी ना। अब गाड़ी के टायर कमजोर हैं, पिंडी तक नहीं जा सकते। तुम पर कर्जा है माँ, मर्द हो तो उतारो अपना कर्जा। चलो भाई गाड़ी हटाओ इधर से। सचा सवारी लेके आया हूँ। और सवारी तो अंदर चले गई है, तुम भी जाओ इधर से। वापस भी लेके जानी है चाचा। और जब वापस आएंगी तो बुला लेंगे तुम्हें। हटाओ यहाँ से गाड़ी। क्यों हटाऊं? ये सड़क भी खरीद ली है तुम लोगों ने बंगले के साथ। ओ यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है। क्यों क्यों बोला? क्योंकि ये पनागा है जहां औरतें रहती हैं जो अपने घरों से भागी हुई हैं। चलो निकलो, गाड़ी निकालो आगे। तुम दोनों से शर्त लगी है मेरी, टाइम पे वापस पहुंचे तो मेरे, वरना तुम दोनों की। तुम शर्त जीत गए हीरो। أشهد أن لا إله إلا الله. أوف
शीरी, जरमीन उठो बेटा, जोहर की अजान हो रही है, अभी तक सोई पड़ी हो तुम लोग। उठ जाओ शीरी बेटा, उठो, दर्जन आई है, कपड़े चल के देख लो, उठ जाओ। कैसी नींद है, तुम लोगों की खत्म ही नहीं हो रही है, तो क्या मुसीबत है। जरमीन, आप कसम ले लें आपा जी, जो अलग से मैंने किसी का एक बटन तक लगाया हो, बस इसी काम में लगी हूँ दिन रात। करना पड़ता है, अब सर पे जान पड़ी है, हमने भी तो दिन रात एक कर दिया ना। परसों मुजफ्फराबाद गई हुई थी और कल पिंडी भी जाना है। इधर आप लोग हलकान हो रहे हैं, उधर लोग बातें बना रहे हैं। क्या बातें कर रहे हैं? वो अचानक से शादी पे बातें तो बनती है ना। अल्लाह करे जुबानें जल जाए इन लोगों की। हम इज्जत पे मरने वाले लोग हैं, ऐसी कोई बात होती ना तो हम अपनी बेटी का गला घोंट देते। हम दूसरों की तरह लपट चपट कर बातें नहीं छुपाते। और तुम्हारा क्या ख्याल है, मलिक फारूक की गैरत सर झुकाकर उसको ब्याह कर ले जाएगी? बीबी जान जैसी बुजुर्ग औरत उसको अपनी बहू बनाएंगी? और मलिक मजीद जो दूसरों की इज्जत और नामूस की हिफाजत करता है, उसके अपने घर का दरवाजा इतना कमजोर होगा? क्या बात है, शीरी की तबीयत ठीक नहीं है, आके देख लें जरा। आपका नाम? शीरी। अच्छा, वालिद का नाम? मलिक अब्दुल मजीद। आप दोनों सौतेली बहने, आई मीन आईडी कार्ड पे आपके वालिद का नाम? सौतेली बहने तो आपस में वो भी हो सकती हैं जिनके बाप का नाम एक ही हो। बात तो सारी रवैयों की होती है ना। काफी पढ़ी लिखी लगती है। जी, हम दोनों अपने इलाके की पहली दो लड़की हैं जो कॉलेज तक पहुंची हैं। ट्रेन में है या कॉलेज नहीं है? दोनों नहीं है। अच्छा, इन्होंने फर्स्ट पोजीशन हासिल किया ऑल आजाद कश्मीर डिबेट कॉम्पिटिशन में। दूसरा वुमेन डे पे भी स्पीच कर चुके हैं मीरपुर में। एड्रेस तो आप दोनों का सेम ही होगा? जी। अब आप दोनों मुझे जरा ये डिटेल से बताएं कि आप दोनों अपना घर छोड़ के क्यों आई हैं? चलाओ मुझे, मारो मुझे। कमबख्त, ये कौन सी कालक मल दी अपने मुंह पे? पहले ही लोगों की जुबानें बंद नहीं हो रही थी, अब तो मुंह फाड़ के सामने आ जाएंगे। कुछ नहीं लेकर गई, देख लिया मैंने सब कुछ। ये देखे, फोन भी यही छोड़ कर गई हूँ। ये सब तुम्हारी बेटी का किया था, वही उसको उठाकर ले गई होगी किसी के साथ। आस पड़ोस में कहीं गई होगी, आप तसल्ली रहे। वो कल रात के घर से भागी हुई है, मलिक साहब ने खुद सुबह दरवाजा खुला हुआ देखा। वो तो मैं सोच रही थी कि शायद मैंने दरवाजा बंद नहीं किया। अच्छा, मैं पड़ोस में देखती हूँ। नहीं साजदा, नहीं, आस पड़ोस में जाने वाली है, यूं बिस्तरों पे तकिए छोड़ के नहीं जाती। आहिस्ता बोले, क्या कर रही है? दर्शन बैठी हुई है, सुन लेगी। सुन ले, बोल दो से, मर गई है वो। मरी गई होंगी। क्योंकि वो मर सकती है मगर किसी के साथ भाग नहीं सकती। मेरे घर चलाओ गोली, देखता हूं कैसे चलाते हो। मारो! ये कौन है और अंदर कैसे आया? दीवार फलांग के अंदर आया है। मैं ना चोरी करने आया हूं ना डाका जाने, सिर्फ इन दोनों से बात करनी है मुझे। आप जा रहे हैं या मैं पुलिस को बुलाऊं? इन दोनों से बात किए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा मैं। ये
जिन इलाकों में टूरिस्ट आते हैं ना, उन इलाके के लोगों को बहुत संभल कर चलना पड़ता है। अपनी इज्जत और गैरत का भी ख्याल रखना पड़ता है और दूसरों की इज्जत और एहतराम का भी। कितनी मर्तबा तुम लोगों से मैंने कहा है, हैं? कितनी बार कहा है कि जो ये लोग बाहर से आते हैं ना, ये मेहमान नहीं होते, ये गाहक होते हैं और गाहकों को सिर्फ दुकानों तक महदूद रखना पड़ता है, उन्हें घरों में जगह नहीं दी जाती। तुम जब एक अजनबी को अपने घर ले जाओगे तो फिर तुम्हारे साथ तो यही होगा। होटल में कमरा नहीं था मलिक साहब। मैंने उसके लिए आपके यहां भी फोन किया था। वो पिछले 4-5 सालों से हर सीजन में आता है। मैंने सोचा जब तक कोई बंदोबस्त नहीं होता, ऊपर कमरा खाली है, उसी में ठहरा देता हूं। बस यही एक गलती हो गई मुझसे। अब जाओ फिर, तलाश करो अपनी बेटी को, जाओ। मलिक साहब, मैं अकेला आपको तलाश कर सकता तो सारी बरादरी के सामने आकर क्यों रोता? देखें, वो सिर्फ मेरी बेटी ही नहीं, आप सबकी भी बेटी है। अगर हमारी बेटी ऐसी होती तो हम गला घोट दें उनका। मुझे भी तो उसकी लाश नहीं चाहिए, लाश नहीं चाहिए। आप परेशान ना हो रमजान भाई, हम सब आपके साथ हैं। सिर्फ एक नहीं, दो लाशें लाके देंगे आपको। हेलो, क्या क्या कह रहे हो? देखो कोई तो वजह होगी ना जो हम घर से भागे। तुम हमें वापस क्यों लेके जाना चाहते हो? वापसी की शर्त बांधी थी ना तुम लोगों ने, अब पूरी करनी होगी। बाहर में गई तुम्हारी शर्त। चलो बाहर में गई शर्त, लेकिन मेरी इज्जत बाहर में नहीं जा सकती। इससे तुम्हारी इज्जत का क्या ताल्लुक है? बेइज्जत तो हमारे माँ बाप हुए। तुम दोनों को भागना है ना तो किसी और के साथ भागो, ये इल्जाम मैं अपने सर नहीं लूंगा। किसे पता कि हम तुम्हारे साथ भागे? पता है। किसे पता? हाँ, मेरी माँ को और मुश्ती को। मुश्ती कौन? दोस्त है मेरा। तो ठीक है, उससे जाके कह दो हम अपनी मर्जी से आए। मेरी माँ मेरी खाल उधेड़ देगी और वो मुश्ती पेट का हल्का है, सबको पता लग जाएगा। तो तुम्हें क्या लगता है हमारे घर वाले हमें छोड़ देंगे, कुछ नहीं कहेंगे? वो तो यहाँ पे भी नहीं छोड़ेंगे। आज तक कोई लड़की बची है जो घर से भागी हो? हम घर से भागे किसी के साथ तो नहीं। तुम दोनों के हिस्सों की चपेटे मैं खा लूंगा, मैं हाथ जोड़ूंगा उनके आगे, मैं माफी मांग लूंगा। यार कोई गिलास टूटे या आंटी चल गई है या सर्कस में हम तुम्हारे साथ मेला देखने आए। बात चार चपेड़ों की नहीं, पूरी जिंदगी की।
हम उस जिल्लत और गलाजत से भाग कर आए हैं वहां जो पूरी जिंदगी हमारे लिए रखी है। तेरे बड़ी इज्जत मिल रही है, पता है ना तुम दोनों को ऐसी जगहों पे लड़कियों के साथ क्या होता है। बाप मत बनो हमारे, दफा हो जाओ यहां से। मैंने कहा ना तुम लोगों को लिए बगैर यहां से नहीं जाऊंगा मैं। ठीक है, मैं जाके कहती हूं पुलिस बुला लो, यहीं पे रहो। जमीन जो भी करना है करो तुम दोनों। सुनो, उस दिन जब तुम पुलिस से छुपकर हमारे घर आकर छुपे थे, हमने औरत होकर अपनी इज्जत की परवाह नहीं की, पुलिस वालों और घर वालों से झूठ बोला, हमने तुमसे ये सवाल तक नहीं किया कि तुमने चोरी की है या डाका डाला या किसी की जान लेकर भागे हो। पता है क्यों? सिर्फ एक दफा तुम्हें हमने चिड़ियों के बच्चों को उठाकर उनके घोंसले में वापस रखते देखा था, बस उसके बाद यकीन हो गया था कि तुम ना चोरी कर सकते हो ना डाका डाल सकते हो और जान तो ले ही नहीं सकते किसी की। जरा खुद सोचो, मलिक मजीद जैसे इज्जतदार बाप की बेटियां घर छोड़कर इस तरह क्यों भागेंगी? कोई तो वजह होगी ना। जहां हमें ना माँ की मोहब्बत की परवाह रही और ना ही बाप की इज्जत की। अपने जहन में ये बात बिठा लो, ये कोई इश्मा शूकी का चक्कर नहीं है। हम खुद भाग के आए, अपने लिए भाग के आए, किसी के लिए नहीं। पता है मेरे बाबा का ना बहुत बुरा गुस्सा था, बाहर मार के घर से बाहर निकाल देते थे मुझे। कभी किसी रिश्तेदार के घर रुकता था, कभी किसी दोस्त के यहाँ, कभी किसी चप्पल के नीचे। दो चार दिन गुजरते थे तो मेरा खुद ही हाथ पकड़ के मुझे घर ले जाते थे, या मैं खुद घर जाके माफी मांग लेता था। घर से निकालते थे वो तुम्हें, किसी कुत्ते के आगे नोच खाने के लिए नहीं डाल देते थे। समझ क्यों नहीं रहे हो, उस दिन मलिक फारूक के घर जमीन सीढ़ियों से नहीं गिरी थी, कुछ और हुआ था इसके साथ। सपोली उठा के ले गई है उसको, जिसको गोद में बिठा कर दूध पिलाते थे हम लोग। हाय हाय, कल रात तक हाजी रमजान की बीवी को मैं तसल्लियां देती आई हूं और आज मेरी अपनी बेटी भाग गई है। खबरदार, कोई बकवास मुंह से निकाली तो। बिस्तरों पर तकिया रखकर लड़कियां कहां जाती हैं पता नहीं है आपको? अपने खून पर भरोसा नहीं है तुम्हें? मलिक रमजान के खून में कौन सी मिलावट थी कि उसकी बेटी भाग गई? ये आस्तीन के सांप ही डसते हैं मलिक साहब। जिस डाइन को आप बहन बनाकर घर लाए थे ना, वही खा गई मेरे घर को। होश कर बदबख्त, होश कर। उसका चक्कर चल रहा था सुल्तान के बेटे हीरो के साथ, रोज उसकी जीप में बैठ के कभी इधर कभी उधर। बिस्तरों पर तकिए रख के लड़कियां मनियारी की दुकान पे नहीं जाती। जुबैदा, घर से भागने वाली लड़कियां खाली हाथ भी नहीं भागती है, हौसला रखें आप। तुम्हें पता है तो तुम बता दो, क्यों कलेजा फाड़ रही हो मेरा? मुझे बताकर जाती तो सबसे पहले आपको बताती। इस तरह की कोई रियायत नहीं दी मैंने उनको। यही तो पूछ रही हूं, तुम्हारी इजाजत के बगैर वो एक लोफर के साथ कैसे घूमती फिरती रही हैं? मुझे सरफराज की कब्र की कसम है भाई साहब, बस इतना पता है कि वो बीबी जान के घर गई हैं, उसकी जीप किराए पर लेकर। ये इस घर की इज्जत का सवाल है साजिदा, क्यों छुपा रही हो? मैं दिन रात जिसकी मगफिरत के लिए सजदे करती हूँ, उसकी झूठी कसम क्यों खाऊंगी? तो फिर कोई और होगा। तुम क्यों पड़ गई हो उनके पीछे? इसी की बेटी,
उंगलियों के इशारे पे चलाती रही है मेरी बेटी को, वरना मेरी बेटी वो तो एक बुद्धू सादा लड़की थी। वो दोनों हमारी बेटियां हैं, अब ये तेरे मेरे का वावेला बंद करो और दुआ करो अल्लाह मुझे हाजी रमजान बनने से बचाए। चाचा अपनी जबान काबू में रखना। चाचा आ जाओ यार आ जाओ। सलाम अलैकुम। क्या हो चाचा सब खैर है? हाँ खैर ही है। नमाज बता रहा था, पंचायत से अचानक परेशानी में उठ के घर चले गए, उसी ने आपको स्कूटर पे छोड़ा है, ऐसी क्या इमरजेंसी होगी? वो बस ऐसी जरा तबीयत खराब हो गई थी। क्या हुआ तबीयत को? कुछ नहीं बेटा, तुम जाकर होटल संभालो, वो पिशार वाली पार्टी पहुंचने वाली है। चाचा कमरे वगैरह तैयार करवा दिए हैं, बाकी हारून देख लेगा। आप मेरे साथ डॉक्टर पे चले। यार कुछ नहीं हुआ मुझे, कुछ देर आराम करूंगा ठीक हो जाऊंगा। तुम जाओ, तुम जाओ। चाची इससे क्या छुपा रहे, गैर थोड़े ही है, बेटा है हमारा। फारूक से मेरा रिश्ता उस दिन तय हुआ था जिस दिन मैं पैदा हुई थी, उस दिन से मुझे उसने अपनी मलकियत समझना शुरू कर दिया। मेरा हर काम उसकी मर्जी से ही होता था। 5 साल बाद जमीन मेरी जिंदगी में आई और उसने मेरा हाथ इतनी मजबूती से पकड़ा, फारूक के चलाने के बावजूद नहीं छोड़ा। फारूक की मलकियत के आगे वो दीवार बनकर खड़ी हो गई, वो रोड जमाता और ये उसे मुंह चढ़ाती, वो मुझ पर पाबंदियां लगाता और ये मुझे सांस देती, मुझे बचाती, हंसाती, मेरे लिए उसे लड़ती झगड़ती। हीरो ये मेरी दोस्त नहीं है, ये मेरी बहन है, ये मेरी माँ है। मुझे तुम खुद बताओ, ऐसी बेहरमती अगर तुम्हारी माँ के साथ होती तो क्या तुम बर्दाश्त करते, रह सकते ऐसे इंसान के साथ? अरे एक पल नहीं, एक दिन नहीं, एक साल भी नहीं, सारी जिंदगी गुजारनी है मुझे उसके साथ, और वो भी उसके साथ जिसकी शक्ल में एक पल बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो ये बात तुम्हें अपने बाप से करनी चाहिए ना, वो मान जाएंगे, मैं शर्त लगाता हूँ। दफा हो जाओ, मैंने कहा दफा हो जाओ यहां से। तुम उसे दोजख में झोंककर क्या दोगे शर्त हारने के बाद? अगर वो नहीं माने ना तो मुझे मेरी माँ की कसम, इसको खुद यहां पे वापस लेके आऊंगा मैं, शर्त लगाता हूं। और मैं अपनी शर्त पूरी करता हूँ, अच्छी तरह से जानती हो तुम। कितनी बार मैंने खुद मना किया उसे, लेकिन चाचा आप तो जानते हैं बचपन से मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करती। कितनी बार चची को इशारे दिए मैंने। हाँ कहा था मैंने इसकी माँ को, बोलो साजदा, कहा नहीं था मैंने तुम्हें कि जिस लड़के का नाम लेती है निकाह पढ़ा दो उससे? क्या तुमने इसकी बेटी लगा रखी है? तुम उसके कुछ नहीं लगती? वो अपनी माँ की नहीं मानती तो मेरी क्या मानेगी? वो आपके सामने थोड़ा तमीज से रहती है, वरना बाकी सबको तो वो ठेंगा दिखाती है। अब बात खुल गई है तो छुपाना क्या? चाचा आप जो खुश होते थे ना कि आपके लिए घर से खाने बनाकर लाती है, आप सिर्फ बहाना थे, असल निशाना हारून था। हारून भी जरमीन की तरह इस घर के साए में पला है,
और दो लोग जब एक घर में रहते हैं तो एक दूसरे पर नजर पड़ ही जाती है। भाई साहब, शीरी की रुखसती के बाद हारून रिश्ता लेकर आने वाला है इस घर में। अब नहीं करेगा वो कोई रिश्ते विश्ते की बात, सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया उसने। चाचा याद है उस दिन मेरी और फरहाद की लड़ाई हुई थी, असल बात मैंने छुपा ली थी आपसे। उसने मुझसे थप्पड़ इसी वजह से खाए थे, मैंने उसे सख्ती से मना किया था कि आइंदा हमारी लड़कियों को अपनी जीप में नहीं बिठाएगा वो। घर की औरत साथ मिली हो तो बाहर का बंदा सीना तान के बात करता है। और अगर घर का बंदा भेड़िया बन जाए तो फिर औरत खुद को कहाँ छुपाए? क्या मतलब? तुम अच्छी तरह जानते हो मेरा मतलब क्या है। क्या कह रही है? साफ साफ कहना। गलाजत को छुपाया जाता है, खोल कर नहीं दिखाया जाता। क्या बात है साजिदा? अपनी बेटी की गलतियां छुपाने के लिए दूसरों पर इल्जाम क्यों लगा रही हो? इल्जामात नहीं लगा रही, उस पर जो इल्जाम लगे हैं उनका जवाब दे रही हूं। हाँ, आपने तो मां के रिश्ते से दस्तबरदारी इख्तियार कर ली है। मैं एक बाप को मुतमईन कर रही हूं जिसकी बेटी पर उसके सामने कीचड़ उछाला जा रहा है। खुदा का खौफ करें खाला, हाफ़ज़ा हैं आप। खुदा के खौफ से ही जुबान खोल रही हूं। अब तक मैं इस घर की खुशियों और इज्जत के लिए खामोश थी। तुमने जो किया है ना, सोचकर भी घिन आती है मुझे। तुम्हारी बेटी ने बकवास की और तुमने मान ली। हाँ, क्योंकि मेरे और मेरी बेटी के दरमियान कोई मलिक फारूक नहीं है जो वो मुझे नजर ना आए। वो मुझे दिखाई भी देती और सुनाई भी देती, उसका सच झूठ सब कुछ। आपने तो सिर्फ उसके फटे हुए कपड़े देखे हैं जुबैदा बेगम, मैंने इस शख्स की हवस की खराशें देखी हैं उस पर। क्या बकवास कर रही हैं? फारूक, तुम झूठ बोल रही हैं। ये अभी इसकी बात पूरी नहीं हुई, फिर सच्चे और झूठे का फैसला तुम कैसे कर सकते हो? मैं बताती हूँ क्या हुआ है। तुम खामोश रहो। बता रही है ना, बोलने दो इसे। हाँ साजिदा, बताओ बताओ क्या किया इसने? भाई साहब, मैं आपके सामने खड़े होकर किसी को गाली नहीं दे सकती। हेलो अब्बा जी। शीरी, कहाँ हो बेटा? मैं शेल्टर होम में। इस्लामाबाद? शीरी जी, अब्बा जी, तुम वहां क्या करने गई हो? मैं शेल्टर होम में हूँ, दारुल अमान। दारुलमान? या अल्लाह, क्यों बेटा, वहां क्यों, किस लिए? अब्बा जी। हाँ हाँ बेटा, बोलो बोलो। अब्बा जी प्लीज तसल्ली से मेरी बात सुनिएगा। हाँ बेटा सुन रहा हूँ, बोलो। मैं और जरमीन, हम दोनों घर से भाग कर यहाँ आए। अफसोस है बेटा, बहुत अफसोस। पहले तुम भाग कर मेरे पास
होटल आ जाती थी, अब इतनी दूर चली गई हूँ। अजी, इस बार जो शिकायत मैं आपके पास लेकर आने वाली थी वो ना मैं आपको बता सकती थी ना आप सुन सकते थे। आजो बेटा आजो, तुम्हारे दिल में जो शिकायत है जो बात है आकर बताओ मुझे, बताओ मुझे, आओ बोल, मैं सुनूंगा। अब्बा जी, मैं ये शादी नहीं कर सकती, इसलिए मैं यहाँ पहुंची। क्यों? बोलो शीरी, क्यों? अजी, आपको याद है उस दिन जब हम बीबी जान के पास गए थे तो मैं बीबी जान के साथ ही बैठी थी, जरमीन बाहर गई और उसी वक्त फारूक भी बाहर निकला उसका पीछा करते करते। अजी उसने, हाँ बोलो बोलो ना। अब अजी वो जमीन को घसीटते घसीटते मेहमान खाने में ले गया और उसके बाद उसने, मैं आपको क्या बताऊं अब अजी, किस तरह बताऊं? राती की नहीं अब्बा जी, उसने करने की कोशिश की, वो तो मैं पहुंच गई वरना। और अब्बा जी, वो बीबी जान वाली बात झूठ है, वो कितनी भी बड़ी बुजुर्ग क्यों लेकिन इस वक्त वो झूठ बोल रही है। मैं उसे सिफारिश करवाने जरूर गई थी लेकिन मैं शादी वाली बात उनसे कैसे कर सकती हूँ अब्बा जी, कैसे सोच लिया कि मैं इतनी बेशरम और बेहया निकलूंगी। अरे मैं तो फारूक के सामने नवाला तक नहीं चबा सकती तो मैं उसके साथ तकरीर करने इस्लामाबाद जाऊंगी, और अब तो मुझे उसकी शक्ल तक से नफरत। अरे जिस रास्ते से वो गुजरे मैं अपना रास्ता बदल लूं, इतना घटिया इतना गलीज हो गया है वो मेरे लिए, इसलिए मैं भाग कर आ गई। अब्बा जी घर आ जाओ बेटा, वापस आ जाओ। लेकिन अब्बा जी मैं फारूक को बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम घर आ जाओ शीरी, जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। आपको चिप्पी के सर की कसम? हाँ, मुझे चिप्पी के सर की कसम। और आपने अगर कसम तोड़ी ना तो मुझे चिप्पी के सर की कसम है, मैं खुद अपनी जान ले लूंगी। घर आ जाओ शीनी। आ रही हूँ मैं अभी और इसी वक्त। ये देखें, उसके दोस्त ने कंफर्म कर दिया और आपके साथ ही गई हैं वो। निकल जाओ यहां से, दफा हो जाओ।
शीरिन, हम इस जंगल में वापस आ गए हैं। मुझे डर लग रहा है बहुत। अब तो वापस जाएंगे तो अम्मा ने भी इतना बड़ा मुंह खोला होगा। और तुम्हारी कितनी पिटाई होगी? तुम्हारा क्या ख्याल है, मलिक फारूक मान जाएगा? बात सुनो मेरी, वो माने या ना माने, हम नहीं मानने वाले। बस मुझे लगता है कि अब्बा ने हमें बहलाने के लिए उसे इनकार कर दिया होगा। अगर ये सब जानने के बावजूद तुम्हारे अब्बा ने शादी फारूक के साथ करा दी, बड़ी बगैरती की बात। इससे बड़ी बगैरती तो तुम्हारी होगी। अपनी शर्त भूल गए जो उसकी शादी वाली बगैरती होने दोगे? अगर अब्बा ने कसम तोड़ी तो मैं अपनी पूरी करूंगी। उसके बाद मेरी किस्मत दरियाए नीलम ही होगी।